आज का जो लिकाबली का सर्किट हाउस में जो इन लोगों ने जो मीटिंग किया उसका जो क्या आउटकम है उसको हम जानेंगे। और कुछ दिन पहले कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, उस विषय में हम इन लोगों से हम जरा विस्तार से हम जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम। हमारा नाम है सौरंजन गोगोई। ऑल असम ट्रांसपोर्ट पब्लिक फेडरेशन का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट कमिटी का मैं प्रेसिडेंट हाँ सर, जैसे हूँ। कि आज जो आप लोगों का जो यहाँ लिकाबली में जो एक मीटिंग आप लोगों ने गठन किया, तो सर वहाँ का जो आज का जो आउटकम क्या रहा सर? आज का जो मीटिंग 30-31 7/2024 को एक एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था हमारा यहाँ जो लिकावली चेक गेट में। तो चेक गेट का मामला ऐसा है जो हमारा असम से आने वाला, कुकराझार से बाहर से आने वाला 4-5 लेबर है। तो उन लोग रहता है काम करने के लिए, हाईवे में काम करने के लिए आया था तिरविन में। तो इन लोगों का लीगल डॉक्यूमेंट दे के लिखावली डीसी ऑफिस में उन लोग का पास बनाया है। पास बनाने के बाद में ये लोग का क्या हो गया, लिखावली जो डीसी ऑफिस है वहाँ में लो एलडीसी है, वो है स्टाफ लोग है। तो स्टाफ लोग का गलती हुआ है कि वो जो आधार कार्ड को नहीं देख के, माने वो लोग का लिखने वाला जो पास में जो नाम लिखने वाला था वो नाम में स्पेलिंग गलती या कुछ दूसरा अलग से नाम हो गया, लेकिन फोटो उन लोग का ही था। तो वो फोटो को वो लोग तो लेबर आदमी है, पास में क्या लिखा है वो लोग पता नहीं है। तो वो लोग गया गेट पार करने के लिए, गया गेट में जाके पुलिस पकड़ा, उन लोग का नाम पूछा, नाम अलग हो गया, ये जो फोटो उन लोग का है। तो उन लोग को बोला नहीं तुम लोग का ये गलती है, तो ये तुम लोग इलीगल पास बनाए हैं, तो ये 2 नंबर का पास है, तुम लोग को जाने नहीं देगा, थाना में जाने देगा ये। तब तो वो पैसेंजर लोगों, ड्राइवर ने मेरे को फोन किया। हम ऑल असम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रेसिडेंट का हिसाब से हम आके पूछा, वहाँ में जो चेक गेट में जो ये इंचार्ज है इनर लाइन डिपार्टमेंट चेक करने वाला, उसमें रीराम बोल के एक हवलदार है, तो उनको पूछा हम जाके सर क्या हुआ। वो बोला हमको ऐसे ऐसे हुआ, ये लोग का ऐसे प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम होने के बाद हम बोला है तो ठीक है, ये लोग का गलती है तो आप लोग वो ऑफिस में भेज दीजिए। वो डायरेक्ट गुस्सा हो गया, गुस्सा होके बोल दिया क्या तुम हम लोग को बोलने का क्या जरूरी है। हाँ, ये लोग को सबको जेल में, ये थाना में भेजेगा, जेल में भेजेगा, उल्टा पुल्टा गाली देने शुरू हो गया। शुरू होने के बाद में हम बोला है सर आप इतना गुच्छा क्यों हो रहा है। ठीक ऐसे करके खड़ा रह रहा था, उसी समय में बासार से एक बोलेरो गाड़ी आया प्राइवेट वाला। तो 4 आदमी वहां से आए, वहां से 4 आदमी आके उनको बोला सर हम लोग का पास नहीं है। तो ये 4 आदमी जब पास नहीं है बोल के बोला, तो वो बोला आप लोग कैसे गया पास नहीं होके, बोला गेट में पैसा देके गया। तो वो बोला अंदर जाके बात करो। तो अंदर में हम देखा है, देख रहे हैं अंदर में जाके जो सीसी कैमरा नहीं पहुंचता है, और उनका जो एक चैम्बर है अंदर में वो सीसी कैमरा का ये नहीं पहुंचता है। तो वहां में पैसा दिया, वो 4 आदमी निकाल के चीला पत्थर चला गया। तो हम उनको आग्रह किया है अरे आप इनको पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा देके आप पार होने दिया, तो इन लोग का तो जो भी है फोटो है कुछ तो स्पेलिंग गलती होने से, कुछ उधर उधर होने से, तो जाने देना चाहिए आप। तो बिल्कुल बोला तुम क्यों ऐसे बोलेगा, हम देगा या नहीं देगा तुम हमको बोलने वाला कौन है, तुमको भी थाना में भेजेंगे। तो हम बोला थाना में भेज रहे तो भेजिए हम बात करेगा। तो इसी समय में वो गुच्छा होके उसी मैडम को फोन किया, फोन करने के साथ साथ हम लोग को पैसेंजर और हमको सुमो में उठा के लेके आया, थाना में लेके आया। तो थाना में लेके आके पैसेंजर लोग को वहाँ में डिटेंशन करके वो लोग का लॉकअप में डाल दिया। डालने के बाद हमको एक रूम में घुसा के लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में आधा घंटा जैसे लॉक करके रख दिया, हम अंदर में गर्म से ये करके बैठ रहा था। उसी बाद में उसी मैडम आया, उसी मैडम आके कौन है थाना में, हम लोग का पुलिस के साथ आग्रह करने वाला, इनको छोड़ेगा नहीं है। हाँ, उल्टा पुल्टा हमको गाली देने शुरू किया। तब हम उनको मैडम को बोला सर मैडम बात तो ऐसा, हम तो गाली नहीं दिया, ऐसे ऐसे हुआ, चला तुम हम लोग का स्टाफ के साथ झगड़ा करता है, तुमको केस रजिस्टर करेगा, है वो है बोल के गाली वाली दे के इसको अंदर करके रख दो, लॉक करके रख दो बोल के हमको लॉक का अंदर में करके रख दिया। इसके बाद हम अपना दोस्त लोग को, हमारा श्रमिक यूनियन है सिलापत्थर में, जितना यूनियन लोग है उन लोग को हम अंदर रूम से हम फोन किया, उन लोग मेरा सर्टिफाई लोग सब लिखावली थाना पहुंचा, लेकिन वो लोग हमको मिलने नहीं दिया। हम अंदर में है, इन लोग को मिलने नहीं दिया, हम पानी प्यास लग रहा है कुछ बोलने के, फोन में बोलने से भी इन लोग पानी लेके आने से भी हमको पानी पीने देता नहीं है, ऐसा तकलीफ करके हमको रख दिया। रखने के बाद में क्या किया उन लोग,
उसी मैडम तो हमको अंदर में करके चला गया, वो घर चला गया। घर चला जाने के बाद 8 बजे वो आया, रात का 8 बजे। 8 बजे आके पूरा गाली वाली दे के किसी के साथ बात करते नहीं, मेरा दोस्त लोग बात करने से वो आग्रह कर रहा है, हाँ तुम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तुम लोग क्या, तुम लोग ऐसे है वो है। इसके बाद वो क्या कर दिया, हमको बाहर निकाल के डीसी ऑफिस का जो LDC लोग है इन लोग को बुलाया। वो लोग आके देखा है तो वो लोग बनाया बोलकर, ये पास तो हम लोग बनाया था मैडम, गलती हो गया, हम लोग ऐसे ऐसे हो गया बोलकर वो लोग माफी मांगा है। लेकिन उन लोग को भी माफी नहीं मांगा, माने नहीं मान रहे। नहीं मानने के बाद वो लोग क्या किया है, तुम रजिस्टर लेके आओ। लोग को रजिस्टर लेके आया, रजिस्टर में चेक किया, बात तो ठीक ही है, सिर्फ वो लोग का जो फॉर्म है, फॉर्म का साथ में जो लीगल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, लेकिन वो लोग लिखने में थोड़ा गलती हो गया। वो लोग बेचारा लोग रो रो के माफी मांग रहा है उसी को, उसी बोल रहा है नहीं हम नहीं मानेगा, कौन फंसना है फंसने दो, CO को फंसने दो, ये तुम लोग फंसो, सबको हम जेल में भेजेगा। ये पूरा माने गुस्सा होकर बात करने शुरू हो गया। शुरू करने के बाद बाद में जब चला गया, चला जाने के बाद में वो फिर 8 बजे के आने के बाद में वो आके हम लोग का साथ ये बारूद नहीं करके इन लोग का साथ भी, हमारा दोस्त लोग का साथ भी बात माने झगड़ा झगड़ा करके, हम लोग तो अंदर में है, अंदर में होने के बाद में हम लोग को रात का माने हम ज्यादा आग्रह कर रहे हैं बोल के हमको वो लोग का जो पुलिस का प्रोसीड्योर है हमको ले जाके मेडिकल में चेक किया है। वो क्या कि मेडिकल में फिर डॉक्टर लिख दिया उनका हाई प्रेशर है, तो वो डर गया। डर जाने के बाद में तो रात का 11 बजे हम लोग को छोड़ दिया, एक जबरदस्ती माने बॉन्ड पेपर में साइन करने दे रहा है और ऊपर से और क्या बोलता है इसको उन लोग का एपोलॉजी एक तो लिख दो। तो हम एपोलॉजी एक तो लिख के दिया है, लिखना नहीं चाहता था फिर भी हम छोटा सा करके ऐसे जबरदस्ती बोल रहा है बोल के हम लिख दिया। लिखने के बाद में हम लोग रात का 11 बजे निकल गया, फिर पैसेंजर लोग को भी छोड़ दिया। पैसेंजर लोग बेचारा लोग बाहर से आया है, यहाँ कहाँ रहेगा, तकलीफ है, गाड़ी तो रात को मिलेगा नहीं है, तो वो लोग उपाय नहीं हो के हम लोग दोस्त लोग ये जो हमारा सिलापत्थर का साथी भाई लोग है इंडियन कलर का लोग है मिल के ले जाके सिलापत्थर होटल में रखा। हाँ होटल में रखने के बाद हम लोग देख रहे हैं वो लोग अंदर में जा रहा है तो पूरा लंगड़ा होकर ऐसे ऐसे चल रहा है। हम लोग तो सुबह जाने वाला देख रहे हैं तो सीधा होकर चल रहे, अभी लंगड़ा होकर चल रहे, क्या हो गया सब, मेरा दोस्त लोग पूछा है, हम पूछा है, तो हम उसी समय में पता चला। तो वो लोग बोला हम लोग को मारा है ना, हम लोग पूछा है तो कहाँ मारा है, वो लोग दिखा रहे पूरा पाव फूल के बैठा है, पूरा पाव ये हमें फट के बैठा है, इस किसी का ये करके बैठा है ये कर। हम लोग देख के बहुत दुख लगा है क्योंकि दोस्त लोग जैसे तैसे आ रहे हैं, हम कल ट्रीटमेंट करेगा, खाना पीना खिलाए वो लोग को, हमें बैठा है बैठाने का। बाद में हम लोग रिकॉर्ड करके तो हम लोग हमें सब यूनियन को बुलाया गया है, जैसे हमारा ट्रक यूनियन, बोलेरो पिकअप यूनियन, टैक्सी यूनियन और श्रमिक यूनियन, जितना हम लोग का असम का अंदर में, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का अंदर में मैक्सिकन यूनियन, सबको बुला के हम लोग एक मीटिंग में डिस्कस किया है ये लड़का लोग को लेके। तो हम लोग एक्शन शुरू कर रहा है कि ये गेट में अभी से नहीं है, ये जो गेट, ये मैडम जो जॉब से ये उसी मैडम आया, ये गेट में बहुत खराब ही हाल हो रहा है। तो पैसेंजर से चेक गेट वाला पैसा लेता है 500 रुपया, पास नहीं होने से फिर एक तो गेट में लिख के देता है, कोई सिग्नेचर मार के रखा है वो पास देने से भी 500 लेता है। हाँ शिवसागढ़ जोरहाट वहाँ से डिब्रुगढ़ से आदमी आकाशी गंगा मंदिर में आने से ये लोग तो 2 घंटा के लिए आकाशी गंगा के लिए आता है, ये 2 घंटा के लिए तो ILP बनाने के लिए तो नहीं सकता है लोग, फिर वो लोग जाने के लिए सोचता है तो वो लोग 500 लेता है। ऐसा तंग करके रखा है, गाड़ी लोग को जबरदस्ती कोई अगर आग्रह करने से डॉक्यूमेंट मांगता है, डॉक्यूमेंट मांग के वो लोग माने पैसा मांगता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ में डिस्कस करके हम लोग यहाँ में एक ये डिसीजन ले लिया कि अरुणाचल असम आलोंग से लेके पूरा हम लोग का आलोंग से अरुणाचल का आफ्ताब जो है और हम लोग का यहाँ का यूनियन एक साथ होके ये गेट को हम लोग सबक सिखाना है बोल के, ये लोग को ये करना है बोल के हम लोग कर्म विरोध कर रहे हैं। तो यह अभी से हम लोग कल से 7 बजे से हम लोग लागू करेगा, तो यहाँ से 5 बजे से लागू करेगा, तो यहाँ से कोई भी गाड़ी अरुणाचल नहीं जाएगा, अरुणाचल वाला कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन हम लोग कम्बाइन है सुबह का 5 बजे या शाम का 5 बजे, सुबह का 5 बजे से लेके, लेकिन प्राइवेट गाड़ी के लिए ओपन है हम लोग का। सर इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा है क्योंकि यहाँ पर जो है पब्लिक भी काफी कंफ्यूज है, तो अब यहाँ जो गाड़ी जो आने जाने के लिए जो बंद कर रहे हैं वो कौन कौन से गाड़ी जा सकेंगे और कौन कौन से गाड़ी नहीं जा सकेंगे, वो उसको आप जरा डिटेल में अगर बताएंगे तो पब्लिक के लिए जरा ठीक रहेगा क्योंकि काफी पब्लिक लोग कंफ्यूज है इस पे। हम लोग का सिर्फ कमर्शियल वाला, जैसे आपका हो गया ट्रक, बोलेरो पिकअप, विंगर वगैरह, पैसेंजर का ऑल टोटल पैसेंजर का गाड़ी, बस से लेके हॉर्सेस माने कमर्शियल गाड़ी, और जो प्राइवेट का गाड़ी है जैसे अल्ट्रा वगैरह ये है प्राइवेट वाला गाड़ी, उनके लिए ओपन है।
तो उन लोग को लेकर हम लोग खोल के रखा है। तो बाकी कमर्शियल गाड़ी टोटल ये हम लोग का अरुणाचल के लिए नहीं जाएगा, अरुणाचल से भी यहाँ नहीं आएगा, ये हम लोग डिसीजन लिया। फिर ये डिसीजन लेने के बाद आज एसपी ऑफिस में हम लोग को लिखापाली एसपी ऑफिस में हम लोग को बुलाया है। तो एसपी सर, तो लिखापाली का एसपी सर अभी नहीं है, बसार का एसपी सर सार्स में लेपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एसपी सर आया और डीएसपी सर था, हम लोग एक डिस्कस हुआ। डिस्कस करने के बाद हम लोग जो डिमांड दे रहा है, हम लोग का जो चीज हम लोग मांग रहा है, जो आईएलपी यहाँ में जो पुलिस वाला पैसा खाता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर पास को अवेलेबल, अगर गेट का सामने में वो लोग का चैम्बर एक तो खुल के अवेलेबल कर देगा, तो पुलिस वाला पैसा खाने नहीं सकेगा। ये हम लोग ये डिमांड दे रहा है, पास अवेलेबल करना है, एलपी अवेलेबल करना है। अरुणाचल में घुसने से तो आईएलपी लगता है, हम लोग जानता है, और ये तो जरूर है और लेना ही है, लेकिन वो लोग अवेलेबल आईएलपी को कर देना है। तो ये हम लोग का डिमांड है। और दूसरा बात है जो है गाड़ी को जहाँ तक चेक नहीं करना है। और तीसरा बात हो गया आपको यहाँ में जो ओसी मैडम है इनको ट्रांसफर करना है, और ये चेक गेट का वाला जो ये प्रति लोग है रीराम से लेके ये लोग को सबको ट्रांसफर करना है, ये हम लोग का दावी रहेगा। तो यहाँ पर जो बात ऐसा है कि आज आप लोगों ने लेपराडा डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है, फिलहाल तो लोअर सिंह डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी आप छुट्टी पर है, तो उसके इंचार्ज पे जो है अभी लेपराडा डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ आप लोगों ने एक मीटिंग गठन किया, तो उनके तरफ से क्या आउटकम रहा? उनका तरफ से हम लोग को माने हम लोग को ये दिया है, एक बोला है कि जो वोट दिया है हम लोग को लिख के तो दिया नहीं है, और बोला हम लोग तो जो ओसी को ट्रांसफर कराना है वो जो डिमांड दिया है वो तो करने नहीं पाएगा, लेकिन उन लोग को आने से उन लोग को जांच हम लोग बोल देगा ऐसे ऐसे है बोल के, लेकिन ये चीज में हम लोग पसंद नहीं हुआ, इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग का अपना ये जो है कर्म विरोध है हम लोग लागू रखेगा। उनका तरफ से हम लोग को बोला जो जितना सकेगा हम लोग कोशिश करेगा, लेकिन अभी तो हम लोग मालूम है डीसी निगम का अंदर में एसी सर है, एसी सर लोग तो हम लोग को करके देगा बोल के वो नहीं बोल सकेगा, क्योंकि जब तक डीसी निगम नहीं आएगा, डीसी निगम और ये जो अभी छुट्टी में है एसपी सर नहीं आएगा, उनका साथ हम लोग अच्छा से डिस्कस नहीं होगा, वो लोग आके हम लोग को ये कर देगा बोल के नहीं बोलेगा, ये करके नहीं देगा तो हम लोग ये लागू करेगा। तो लास्टली अब अभी जितने भी हमारे जो व्यूवर्स है देख रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल के लोग हमारे काफ़ी दूर दूर पे रहने वाले भी हैं, तो उनको लास्ट आप क्या मैसेज देंगे, और यहाँ के जो लोअर सिंह डिस्ट्रिक्ट में जो ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ना हम लोग लोअर सिंह डिस्ट्रिक्ट का कोई पब्लिक से हम लोग दुश्मनी नहीं है, किसी से हम लोग खराब नहीं है, हम लोग अपना भाई भाई आए हैं, उन लोग को तकलीफ के लिए नहीं हम लोग खराब नहीं सोचा है, हम लोग भाई भाई जैसे पहले जैसे है ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ का जो ओसी यहाँ का जो पुलिस प्रशासन उसका अगेंस्ट में हम लोग है, पब्लिक से हम लोग को कोई ये नहीं, पब्लिक का इसलिए हम लोग बोला है पब्लिक का कोई भी डिब्रूगढ़ जाना उधर जाना वो लोग जा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल गाड़ी से नहीं, प्राइवेट गाड़ी से। सर इसकी ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो है ट्रांसपोर्ट को भी हम लोग बंद किया, टोटल कमर्शियल गाड़ी गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो कोई भी, अगर गवर्नमेंट गाड़ी में अगर जो बस है ट्रांसपोर्ट अगर कोई पब्लिक पैसेंजर गाड़ी है तो उनको जाने देंगे यानी पैसेंजर गाड़ी? नहीं नहीं कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं देंगे हम लोग, ऑल कमर्शियल गाड़ी हम लोग बन रखा मैंने ये किया गया है। यानी यहाँ पर जो है सवाल ये होता है कि सिर्फ आपका जो प्राइवेट गाड़ी है उसी वही जा सकेंगे? ऐसे प्राइवेट गाड़ी जा सकते, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।